हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियो सॉफ्ट टेक। मेरा नाम है विशाल और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने विंडोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है विनबबल, जो कि आप देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने विंडोज़ को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक मेनू में आपको जो जो चीज़ें चाहिए होगी वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करने से वो चीज़ राइट क्लिक में आना शुरू हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहां से उसके स्टार्ट ऑप्स को चेंज कर सकते हैं। यहां पे जो स्टार्ट मेनू खुलता है, इस स्टार्ट ऑप को आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से चेंज कर सकते हैं। आप अपने ड्राइव्स, फोल्डर वगैरह के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, अपने विंडोज 7 की लॉगिन स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लॉगिन स्क्रीन भी दी हुई है और आप अपनी खुद की कस्टम भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना होगा और यहाँ से एक इमेज को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी एक इमेज को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉगिन स्क्रीन पर सेट हो चुकी है। मैं इसे आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट किया तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो रुक जाएगा। ओवरऑल ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे आप पूरी विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसे खुद भी करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।